भाई सीरियल कुंडली भाग्य में शौर्य जेल में है और इस चक्कर में शौर्य और निधि दोनों टेंशन में है। क्या है ना, उनको लग रहा है कि भैया इनके पीछे से, यानी कि जब तक शौर्य जेल में है, कहीं ऐसा ना हो कि करण और प्रीता जो है वो लाइमलाइट ले जाए। मतलब दे कम इनटू देयर पावर प्ले थिंग्स। बाबा रे, एक ही घर में कितना पावर प्ले होता है बाबा। ना मेरे डैड को, ना मेरी फैमिली को, कोई नहीं आया मुझे बाहर निकालने। अब सच तो ये है इंस्पेक्टर कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, उस घर में मुझसे कौन प्यार करेगा। अब शौर्य को तो ऐसा लगता था कि वो लूथरा परिवार का राजकुमार है और उसकी माँ निधि घर की रानी। लेकिन भाई प्रीता और राजवीर के आने के बाद से उसका ये अहम टूट चुका है और इस बात का अब उसे बुरा भी लग रहा है, क्योंकि वो जेल में कब से है और अभी तक करण उसे बाहर नहीं निकलवा पाया। देखो, हम तुझसे बहुत प्यार है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकालने की। ट्रस्ट मी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यू ऑल लव यू। आप लोगों के प्यार की कोई अहमियत नहीं है मेरे पास, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। हम दोनों को ये गलत फहमी थी कि भाई हम, ये किंग लूथरा है, मैं क्वीन लूथरा हूँ ये प्रिंस लूथरा है, मैं क्वीन लूथरा हूँ, ये घर पे हमारा राज है, सब कुछ हमारा है। पर राजवीर और उस प्रीता के आने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि लूथरास अभी भी प्रीता और राजवीर के हैं और हमारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। इधर प्रीता भी घर का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है और उसने भी ये साफ कर दिया है कि जब तक दादी और करण ठीक नहीं हो जाते वो इस घर से नहीं जाएगी। भाई ऐसे में निधि की जलन और भी बढ़ गई है। हम अपनी वैल्यू वापस पाके रहेंगे, अपनी जगह बना के रहेंगे, जिसको जो करना है कर ले राइट। अब जेल में पहुंचे हैं करण और निधि शौर्य से मिलने के लिए। हालांकि वो लोग उसे जेल से निकलवाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन करण अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुआ। और यहाँ शौर्य का सबर का बांध जो है वो टूट चुका है और उसे ये विश्वास हो चुका है कि उसका परिवार जो है वो प्रीता और करण से ज्यादा प्यार करता है और उसकी तो किसी को परवाह ही नहीं है। तभी तो जब करण जेल में उससे बात करने आया तो उसने अपने पापा को ही खरी खोटी सुना दी। आप जाइए ना, जाके वहाँ राजवीर से बात करिए, शायद आपको वहाँ राजवीर मिल जाए। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको कोई एफर्ट डाल रहे मुझे बाहर निकालने के लिए। शॉर्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे बात कर रहे हो? प्लीज प्लीज इनसे कहिए मुझे मुझे इनसे बात करें। हालांकि निधि अभी भी शौर्य को अपनी बातों में फंसाती हुई नजर आ रही है, लेकिन आगे चलकर करण की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी अनुपमा बन गई है मालकिन स्पाइस एंड चटनी की, लेकिन मालकिन बनकर भी ना इनकी सिचुएशन वही है जो कल थी, मेरा मतलब है जो हिंदुस्तान में थी, कि वो करियर वुमन तो बनना चाहती हैं, अपने करियर को भी आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन घर के प्रॉब्लम्स हैं कि वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। अब देखिए ना, पहला दिन उनके बिजनेस का, भीड़ लगी हुई है रेस्टोरेंट के बाहर, लेकिन अनुपमा अभी भी घर में क्या उलझने हैं वो सुलझा रही हैं। ऐसा है अनुपमा, थोड़ा वक्त तो आपको अपने करियर को देना ही पड़ेगा। मतलब आपने एक स्टैंड लिया है, आपने एक कदम उठाया है, तो अब उसको भी अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा। Sorry, my boy. Sorry, my boy.
अनुपमा का आज स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट में पहला दिन है और अपने पहले दिन ही वो लेट हो गई है। जी हाँ, जैसा कि आप सबने सीरियल में देखा है कि अनुपमा के हाथ की चाय सबको बहुत पसंद है, क्योंकि वो मसाले वाली चाय इतनी टेस्टी जो बनाती है। अब सवेरे सवेरे लोग आए हैं स्पाइस एंड चटनी में अनुपमा के हाथों चाय पीने के लिए, लेकिन अनुपमा मैडम है कि वो लेट हो गई, अब क्या करे। यहाँ पर भी घर के पचड़ों से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती है। आध्या की तबीयत खराब हो गई, अनुज को वो चाहकर भी मना नहीं कर सकती है। एक घर की जिम्मेदारी छूटी तो दूसरे घर की जिम्मेदारी आ गई। अब इस चक्कर में वो अपने रेस्टोरेंट में लेट पहुंची। अब यशदीप ने ताना भी मार दिया है कि तुम लेट हो गई हो। मेरे लिए किसी और के काम नहीं करनी, बल्कि अपने लिए काम करनी। ये रेस्टोरेंट आपका भी है। आज रेस्टोरेंट का पहला दिन था और वो लेट हो गई, और उसके हाथ की जो मसाला चाय थी अगर वही नहीं पहुंचेंगी और वही नहीं बनाएगी तो कस्टमर्स थोड़े से रेस्टलेस हो रहे थे कि अनुपमा कहाँ, अनुपमा कहाँ, अनुपमा कहाँ। और अनुपमा एज यूजुअल घर पे जरा बिजी हो गई अपने, मतलब आध्या को लेके, तो इसलिए थोड़ा सा यशदीप जो है उसके ऊपर हल्का सा भड़का नहीं, थोड़ा सा नाराज हो गया था। और इतने में अनुज का फोन भी आ गया। भाई यशदीप, अभी तो ये तुम्हारे लिए नई नई बात है, अनुपमा के साथ अब तो जितने लोग रह चुके हैं ना वो सब जानते हैं कि अनुपमा अपने काम के साथ साथ रिश्तों को भी कितनी अहमियत देती है। अनुज का उसको फोन आ जाता है तो यशदीप ऐसा देखता उसको कि मतलब कितने फोन करता है यार, भाई थोड़ा काम तो करने दे उसको। अब अनुपमा को आपने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है तो आप डरिए मत, क्योंकि अनुपमा कभी भी आपको फायदा ही करवाएगी, नुकसान नहीं। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि बिजनेस से पहले वो रिश्तों को मायने देती है। अब तक तो आप उसके साथ रहकर इतना तो समझ ही गए होंगे। फिलहाल तोशु भी आया है यहाँ पर, अब अपनी ही माँ के रेस्टोरेंट में वो नौकरी करेगा। हाँ तोशु मान गया, काम धंधा करना है, काम और कहाँ, कौन काम देगा उसको, मतलब यहाँ स्पाइस एंड चटनी में काम नहीं मिलेगा तो और कहाँ उसे काम मिलेगा। कोई इतना लफड़ा कर चुका है, पुलिस केस हो गए हैं, तो मरता क्या ना करता, काम करने यहीं आना पड़ा उसको। अनुपमा ने तोशो को समझा दिया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम ना मिलना चाहिए और उसकी एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि तोशो अब अपनी माँ के लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी करे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हीरा मंडी की हीरोइन जहां वाहवाही लूट ले गई, वहां एक और शख्स थे जिनकी खूब तारीफें हो रही हैं। जी हाँ, आजकल तो ही इज द लेटेस्ट हार्ट थ्रॉब ऑफ द बी टाउन। हम बात कर रहे हैं ताजदार की, यानी कि ताहा शाह की। तो चलिए आज इनसे मुलाकात करते हैं और एक के बाद एक ढेर सारे सवाल करते हैं, यानी रैपिड फायर। सर, ताजदार बनने के लिए नहीं, अच्छा एक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। पिछले 14 साल से मैं मेहनत ही कर रहा हूँ। जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उर्दू डिक्शन सबसे ज़्यादा, उस पर मेहनत। और उसके अलावा मुझे ट्रक चलाना था एक सीन में, तो वो ट्रक चलाने की मेहनत। और बाकी सब मतलब ज़्यादातर सेट पे तो इतने अच्छे दिग्गज कलाकार थे तो उनको देख देख के ही सीख लिया। ताजदार और ताहा में कितना डिफरेंस है। एक चीज़ जो सिमिलर है वो है उनका प्यार, उनका प्यार करने का तरीका। मुझे ना ओल्ड लव बहुत पसंद है। ये कि मैं रेवोल्यूशनरी नहीं हूँ, बट सबसे मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ ताजदार के। शांत लवर सर। ताजदार आलम की कहानी को जस्टिस मिला है कि नहीं, वो एक
आखिर में वो एक दूसरे के साथ नहीं है, तो वो थोड़ा सा लोगों को इनजस्टिस लगा है। मतलब मुझे मरने का बहुत शौक और ख़ास करके मूवीज़ में, तो मुझे लगता है कि आलम और ताजा की कहानी बहुत ही वेल राउंडेड है, बहुत ही सच्ची है, दिल से है, और जस्टिस है कि नहीं है वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। हमारे सेट पे सिर्फ एक ही शेरो शायरी बोलते हैं हम लोग, जो हम सबको पता है और आपको भी पता होगा, तो आप भी साथ साथ बोल दीजिए। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। तो एक घंटा भी मैं करूं या आधा घंटा भी करूं, पर पसीना निकलना ज़रूरी है। स्वेट इट आउट इज़ माय मोटो, और फिटनेस मंत्र यही है कि जब आपके पास काम होता है तो आधा घंटा एक घंटा तो आप डाल ही सकते हो। अगर बाकी दिन आपका कुछ काम कम है तो मैं बहुत सारा टाइम, मैं तो 3-4 घंटे तो मैं डालता ही हूँ। सर, दिल तो मैंने सिर्फ एक ही खूबसूरत औरत को दिया है और वो है फरीदा जलाल जी। उनसे ये सीखा है मैंने कि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस रखिए और बी जोवियल, बी हैप्पी एंड फॉल इन लव विथ ओनली वन पर्सन। सर को तभी गुस्सा आता है सर जब लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं या उनकी बात भूल जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इतना फास्ट चलता है ना, तो 10-10 एडी उनके इर्द गिर्द हैं और वो ऐसे ऐसे बोलते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैंने उस तब क्या कहा, और तब अगर आपको नहीं पता तो गुस्सा, अगर आपने परफॉर्मेंस सही नहीं किया तो गुस्सा। पर उनको शांत करने के लिए एक ही तरीका है और वो है उनके जो छोटे छोटे पपीज़ हैं, वो पपीज़ को सेट पे छोड़ देते हैं। जब भी जानू आ जाती है तो उनका पूरा चेहरा, उनका पूरा बर्ताव चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाते हैं, खुश मिजाज हो जाते हैं, और वही एक तरीका है जो सर को शांत किया जा सकता है। मैं तो डायरेक्शन ही बोलूँगा, यानी मैं मतलब एक्टर हूँ तो डायरेक्शन, पर म्यूज़िक भी उनके, मतलब उनके रूम में है, और वो डायरेक्शन भी ऐसे ही करते हैं जिसमें रिदम हो। वो म्यूज़िक चला के वो सीन देखते हैं और फिर उनको दिखता है कि ये रिदम ऑफ है, ये रिदम सही है, तो वो डायरेक्शन में म्यूज़िक ऐड करते हैं। सर ब्लैक रानी मुखर्जी का रोल करना है, वैसा कोई रोल। रेडी टू मिंगल? यस, नो नो, सिंगल हूँ सर, और मुझे लगता है कि अभी तो मैंने सिर्फ एक ही प्यार है और वो है कि मैं अपना करियर बना सकूँ। बहुत वक्त हो गया है, बहुत इंतज़ार कर लिया है, और अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा प्यार मिल रहा है तो इस प्यार को मैं छोड़ना नहीं चाहता और मैं और अच्छा काम करना चाहता हूँ, और फिर आगे देखा जाएगा। मैं करना तो चाहता हूँ शादी, पर अभी वक्त उस सब का नहीं। आई थिंक सर लव, पहले लव होगा और फिर उसके बाद अरेंज्ड, मतलब दो शादियाँ नहीं होंगी, मतलब एक ही शादी होगी भाई, ऐसा मत सोचना। लव होगा, उनको फिर मैं घर ले जाऊँगा और उनके साथ अरेंज्ड मैरिज करूँगा। फैमिली मैरिज इज़ अबाउट फैमिली, इज़ नॉट जस्ट अबाउट टू पीपल। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि आप मुझे इतना प्यार देंगे, बट आई जस्ट होप कि आई डू जस्टिस और मैं और अच्छा काम करूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कीप ड्रीमिंग, क्योंकि सपने सच होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो गया है ओटीटी के नए शिखर के जरिए ओटीटी के फ्यूचर से मुलाकात करने का। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो युवा पीढ़ी होती है, द यंगस्टर्स, दे कैरी द टॉर्च फॉरवर्ड, और ओटीटी अपने आप में ही एक नया माध्यम है, और ऐसे में आज मुलाकात उन युवाओं से जो ओटीटी पर एंटरटेनमेंट को एक नया आयाम दे रहे हैं, एक्चुअली जिनको ओटीटी से एक अलग पहचान भी मिली है। अश्नो 10 मिलियन फॉलोअर्स, 1 करोड़।
See, I'm from the Gen Z, so that's one thing. We are more tech savvy, so that's definitely there. आज की डेट में मैं सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में हूँ क्योंकि मैंने OTT पे अपने आप को प्रूव किया है. Not that I am somebody's son, not that मैं ऐसे पार्टीज में जाता हूँ या इसको जानता हूँ या उसको जानता हूँ. तो मेरा पहला OTT शो मैंने जो किया था वो आया था 2016 में. वो इट वॉज अबाउट गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया. तब मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्या है, वॉट इज गोइंग वायरल. और वो मैंने इतना ऑडिशन लिया था कि फिर वो याद हो गया था डायलॉग, तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन के कर ली. ना वहाँ पे जो दो बच्चे बैठे हैं तो बोला यार मैं पेपर में बुक में पढ़ रहा हूँ कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है यार. किसी ने नहीं, कुछ गलती हो गया, देख ले बराबर पढ़ ले. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू ABP OTT का नया शिखर. OTT एक बहुत उभरती हुई मार्केट है. आज की डेट में OTT में टोटल 504 मिलियन व्यूअर्स हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 50 करोड़. बट नंबर्स में जाने से पहले लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट. भरत, यू आर नॉट अ गेस्ट, यू आर अ होस्ट. अक्षय, आपसे स्टार्ट करते हैं, सिंस यू आर इन द माइनॉरिटी राइट नाउ ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल. तो आप बताओ, सो लेटेस्ट यू गॉट अ वेरी सक्सेसफुल मूवी फाइटर, एंड जस्ट टेल अस लाइक अ क्विक थिंग अबाउट योरसेल्फ. बहुत मेहनत करता हूँ सर, काफी सालों से मेहनत कर रहा हूँ, एंड फाइनली फाइटर जैसी मूवी मिली मुझे. आई डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दी OTT स्पेस. OTT से पहले मैं हूँ, सो माई फर्स्ट फिल्म हमने साथ में काम किया OTT पे. वेन आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन वन ऑफ द फर्स्ट शोज. इट वाज अ शो कॉल्ड बारकोड, डायरेक्टेड बाय विघ्नेश शेट्टी, प्रोड्यूस्ड बाय कुमार जी एंड अभिषेक पाठक. And he was excellent in that show. And I think that was one of the first OTT shows. Matlab, gine chune, starting mein, it was like 2015 or 16 or something like that. But maine start kiya tha 2010 mein. Aur meri pehli film Rajshri production ki film thi, jo bilkul chali nahi. Aur phir aise ghasitta gaya, kaam karta raha, acting karta raha, theater mein wapas gaya. And then finally karte, ek hit film aayi, Fighter. Snehal Dixit Mehral, how are you? Good to see you. Tell us about yourself quickly. मैं ना बिल्कुल OTT की ही उपज हूँ, क्योंकि मैं टेलीविजन में बिहाइंड कैमरा काम करती थी. अश्नूर और मैं एक शो में थे, मैं क्रिएटिव थी, वो चाइल्ड एक्टर थी. तो बिहाइंड कैमरा काम करते करते एक मीम वायरल हुआ, उसके बाद अपहरण मैंने एक सीरीज किया था, उसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी, पर वो कैमरे के सामने आने के बाद मीम वायरल हो गया. और मेरी उम्र में ऐसा होता नहीं है, तो मीम वायरल हो गया तो बीसी आंटी नाम हो गया, तो फिर इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट हो गई और एक नया करियर खुल गया. सॉरी टू कट, बीसी क्या? बीसी मतलब वेरी क्यूट. अक्षय आके ग्लो होती है, मैं जब भी पूछता हूँ बीसी 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 सारे बोलो बीसी क्यों क्यों बीसी बीसी क्यों. हम यहाँ क्योंकि ये पैनल OTT का है, यहाँ पे आई थिंक कोई फिल्टर नहीं हो सकता है. तो मेरे फेमस डायलॉग है, ए जी गाली दे रहा है कोई, का बोल रहा है, बोल रहा है, उस एक गाली से जो है मैं फेमस हो गई हूँ. और वही था क्या? हाँ, हो रहा है, बच्चे बेचारे कब से परेशान हो रहे हैं. और उसके बेसिस पे मैंने पूरा एक इन्फ्लुएंसिंग करियर जो है, एक पैरेलल यूनिवर्स मेरा शुरू हो गया. और अश्नूर तो मतलब शी इज अ चैंपियन एट दिस, पर मेरी भी कोशिश जारी है. करेक्ट. तो OTT ने जो दरवाजे खोले हैं ना, मतलब मुझ जैसे बिहाइंड कैमरा काम करने वालों के लिए, मतलब एसेंशियली आई एम अ राइटर एंड अ डायरेक्टर. अभी एक बहुत बड़ी इंडिया की सीरीज आ रही है जिसका नाम है हीरा मंडी, उस पर मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ और मैंने लिखा भी है शो. तो वो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरे पास जहां मैं जाती हूँ लोग पहचानते. अरे श्रुति, अनदर प्रीटी फेस हियर. Shruti, tell us about yourself, and before you tell, let me also introduce you. Campus Beats 2023 में आई थी, Amazon Mini TV. आपको पता है कितने लोगों ने देखा था? As per the COT data, आपके शो को देखा था 10.35 million. Wow. 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था. And I'll tell you what, before we begin, I just want to ask you that at their age, when we were just fooling around and doing nothing, How did these guys get the idea कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं OTT platform पे और हम इतने followers ला सकते हैं? How did it occur to young guys? So for me it was like, I remember जब मैंने start किया था, लोग कहा करते थे कि मैं फिल्में करता था उस वक्त. I think 3-4 फिल्में रिलीज हो गई थी. I think गुड़गांव आई थी, लाल रंग आई थी, काला कांडी आई थी और पिज्जा आई थी, और मेरी पहली फिल्म इसी लाइफ में. एंड देन दी OTT स्पेस केम, एंड आई रिमेंबर सारी इंडस्ट्री के लोग कहा करते थे कि मत कर, ये क्या है, ये कौन सा माध्यम है, तुम्हें पता नहीं है, तुम फिल्म का एक्टर हो. और मैं कहता था मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे एक्टिंग करनी है,
और ओटीटी आया और मैं ऐसे छलांग मार ले उधर तो आई एंड देन आई केम बैक इनटू फिल्म्स फ्रॉम एंड लाइक शी वाज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शी इज समथिंग एल्स इसका प्लीज कंपेयर मत करो सब उदास हो जाएंगे ये आती है ना तो सबका ऐसे ठंडा हो जाता है बटरफ्लाइज सीजन 5 सो मैं सॉरी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो डेटा याद नहीं रहेगा बट द नंबर्स भी इतने बड़े हैं कि पढ़ने पड़ रहे हैं बटरफ्लाइज सीजन 5 यूट्यूब पे था टोटल कंजम्पशन 1.94 मिलियन व्यूअर्स कितना हो गया 19,40,000 लोगों ने देखा उसमें से अगेन यू गॉट अ गुड स्क्यू स्लाइटली टूवर्ड्स फीमेल 56% उनमें से फीमेल्स थी जिन्होंने शो को देखा एंड यू हैव अ वेरी हाई ऑडियंस जो उसकी ऑडियंस प्रोफाइलिंग है मैक्सिमम जो कंजम्पशन था बटरफ्लाई का कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड दिल्ली राइट सो यू गॉट डेटा आपको पता एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं क्या आपके व्यूअर प्रोफाइल हैं दैट्स ऑल पार्ट ऑफ इट सो कांग्रेचुलेशंस फॉर 1.94 मिलियन व्यूज ऑन बटरफ्लाई मैं डांस करती थी और मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है पर किसी को बोलती थी तो उनको लगता था कि अरे डांस में ट्रेनिंग कर रहे हो डांस करो तो मैंने अपना लास्ट बोर्ड एग्जाम दिया और मैं बॉम्बे आ गई उसके बाद दिल्ली से उसके बाद मैंने सोचा कैसे देखते हैं सो घर पे मतलब घर चलाने के लिए आई डोंट वांट टू आस्क मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स तो मैं असिस्टिंग करती थी इन कोरियोग्राफी लाइक मूवी सॉन्ग्स और साथ साथ आरामनगर जाके ऑडिशन देती थी तो मेरा पहला ओटीटी शो मैंने जो किया था वो आया था 2016 में वो इट वॉज अबाउट गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया तब मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्या है वॉट इज़ गोइंग वायरल शो का नाम ही गोइंग वायरल है इट्स ऑन प्राइम पर गोइंग वायरल क्या है कौन वायरल जाता है नहीं दैट कॉन्सेप्ट वॉज नॉट देयर बिकॉज 2017 ऑनवर्ड सोशल मीडिया बिकेम बिग तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी देयर जर्नी इज डिफरेंट योर्स इज डिफरेंट बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द एंटरटेनमेंट फील्ड यस डूइंग यू जस्ट शिफ्टेड यस बहुत टेलीविजन किया और या तो टीवी था या फिल्में थी जब मैं बंबई आई थी तो टेलीविजन में मौका मिल गया वहीं रोज काम चलने लगा 300-300 एपिसोड हम लोग करते थे तो फिल्मों तक की जो छलांग थी वो कभी होने नहीं वाली थी हमें पता था देन शुरू हुआ ओटीटी और छोटी सी वेब सीरीज थी अपहरण जो कि बहुत दिल से बनाई थी हम लोगों ने फिर वहाँ से वो एक छोटा सा रोल था जिसके लिए कोई आने को तैयार नहीं था बहुत ही ये गाली देने वाले रोल के लिए मैंने कम से कम 40 ऑडिशंस दिखाए थे सर को और सब रिजेक्ट हो रहे थे सर परेशान थे क्योंकि आंखें में देख-देख के गाली दे रहे थे बारी-बारी देख के बीसी और वो मैंने इतना ऑडिशन लिया था कि फिर वो याद हो गया था डायलॉग याद हो गया था तो बोले स्नेहिल तुम ही कर लो तो मैं घर से अपनी साड़ी लेके मैंने कहा यार पता नहीं ये क्या करवा रहे तो उन्होंने बोला कोई नहीं देखेगा इतना सा पार्ट है कोई नहीं देखेगा तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन के कर ली वहां पे दो बच्चे बैठे हैं तो बोला यार मैं पेपर में बुक में पढ़ रहा हूँ कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है यार किसे नहीं नहीं कुछ गलती हो गया देख ले बराबर पढ़ ले जो अगला सवाल है आप सबसे आप अपना अपना सोच लीजिए ओटी जो सब्सक्राइबर्स हैं अभी इंडिया में एट दिस पॉइंट 221 मिलियन ऑलमोस्ट 22 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं जो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को देखते हैं हॉटस्टार नेटफ्लिक्स अमेजॉन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अगले दो साल में दो साल के अंदर अंदर ये 31 करोड़ टच कर जाएगा राइट सो इज दैट अ गुड न्यूज ये रियल नहीं ये रियल सब्सक्राइबर्स ही हैं ये करेक्ट डेटा है पर कुछ ऐसे उधारी वाले दोस्त भी होते हैं ये एक सब्सक्रिप्शन से 20 लोग देख रहे होते हैं हाँ पासवर्ड शेयरिंग वगैरह का होता है टोटल ओटीटी व्यूअर्स इन इंडिया स्टैंड एट 504 मिलियन लेकिन इफ यू लुक एट द पे सब्सक्राइबर्स और जो एडवर्टाइजिंग एक्सपोजर होता है उसको बोलते हैं एवॉर्ड मतलब एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड जो प्लेटफॉर्म्स पे आप वीडियो देखते हो जिसके साथ आपको ऐड देखना पड़ता है लेकिन उसमें सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है वो नंबर है 133 मिलियन जो सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड है एग्जांपल नेटफ्लिक्स प्राइम काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है वो नेचुरली थोड़ा कम होगा वहां 88 मिलियन है तो नेटफ्लिक्स वॉज ऑन एस वर्ड सो नेटफ्लिक्स पे फाइटर आया था तो दैट इज पार्ट ऑफ द 88 मिलियन सब्सक्राइबर बेस ये जो 88 प्लस 133 है टोटल बनके बनता है 221 जो अगले दो साल के अंदर अंदर 315 तक जाएगा नाउ उसी मोबाइल फोन पे आप घंटों फिल्म देख लेते हैं आपका ऑल द कंटेंट दैट यू हैव इज बीइंग वॉच्ड ऑन दैट बी इट बटरफ्लाइज अपहरण फाइटर कैंपस ऑल योर शोज आर बीइंग कंज्यूम्ड ऑन मोबाइल फोन्स एज वेल राइट इज दिस अ हार्टनिंग न्यूज फॉर यू कि कैसे कैसे मार्केट एक्सपैंड होगी Everything has its own pros and cons. I mean, obviously, opportunities badh rahi hain. But then also because of the large amount of influx of so many people, so many competition faces. Competition badh raha hai. Competition badh raha hai, logon ka attention span bhi kam ho raha hai.
the attention span now is about 2 to 3 seconds. Even when you post on post content on social media platforms, that's why the hook is so important. Correct. Ashnu, you've raised a very good point. Isko na technical term bolte hai, passive viewing. Yes. Background mein chal raha hai, chal hi ja raha hai. Right. Haan, please. And I guess that's why Netflix also has a very interesting feature that I haven't really noticed on other OTTs, saying that are you still watching if you don't take any action for a longer period of time. So, I mean, definitely opportunities hai, market badh rahi hai, jo hamare physical boundaries hai, wo blur ho rahe hain. But then also because of the massive amount of data, it's also getting difficult to retain in the memory of the audience. पहले ये था stars कुछ गिने चुने हैं तो वो याद रहते हैं. It's a good point, but I see it very differently because मैं शायद क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट किया था तुमसे और उस वक्त सिर्फ फिल्म फैमिली के लोग और सिर्फ लोग जो एक सर्कल के लोग एक दायरे के लोग उनको एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती थी और बाकी लोग अगर आपको कुछ काम करना है तो आप टीवी के माध्यम से या थिएटर के माध्यम से करते थे. कोई और प्लेटफॉर्म था ही नहीं. तो मुझ जैसा एक्टर ऐसे फ्रस्ट्रेट होता था कि काम ही नहीं मिल रहा है. तो आप हर जगह जाते थे, पोर्टफोलियो घुमाते थे, लोगों से बात करते थे, पर आपको काम नहीं मिलता था. OTT आया और उसके बाद कितने अनगिनत एक्टर हैं जिनको मेरिट से काम मिला है. आज की डेट में मैं सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में हूं क्योंकि मैंने OTT पे अपने आप को प्रूव किया है. नॉट दैट आई एम समबडी सन, नॉट दैट मैं ऐसे पार्टीज में जाता हूं या इसको जानता हूं या उसको जानता हूं. इनफैक्ट ही कुड हैव कास्ट एनीवन फॉर बशीर्स रोल टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे मिला है मेरिट के काम पे बिकॉज आई हैव वर्क्ड दीस मेनी इयर्स टू डिजर्व दैट. वन क्वेश्चन हियर दैट यू आर कंफर्टेबल इन दिस दिस प्लेटफॉर्म, करेक्ट? या are you in future going to look for expanding this or getting into films, which you think? Well, it got me into films again. Of both it got complement each other. It complements each other because OTT ke karan main wapas filmon mein aaya. Like for a while I wasn't getting films, film mein karta tha, then OTT I did like I think 20 shows on the OTT space which led back to Fighter, which led back to 6 other movies that I'm doing. Ye kalakar ke liye na platform hona बहुत बड़ी बात है और वो प्लेट मतलब जितनी आंखें हमें देखें उतना बेहतर. तो देखो या अग्रेसिव देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता. ठीक. और मैं अच्छा काम करूं उसको हम लोग अप्रिसिएशन पे चलने वाले लोग हम सभी बस, बस, बस. और फॉलोअर्स कितने हैं कितने नहीं है वो सब मायने नहीं रखता. किसी ने अगर प्यार भरा DM भेज दिया ना कि अरे आपका वीडियो देख के दिल खुश हो गया. बस इवन बिकॉज आई वॉज डूइंग टीवी बिफोर आई गॉट इनटू कॉलेज एंड देन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी. 3 years मैं टीवी नहीं कर पाई बिकॉज इट रिक्वायर्स टाइम. बट OTT गेव a space to actually also stay in touch with my passion because that required less time. Correct. But it also gave me an opportunity to get back on sets. Yeah. Yeah. So very that's good. Definitely yeah. That. I agree with you. So everyone, thank you very much. Let's all clap for each other. Thank you. ABP News, आपको रखे आगे. टूट गया ये रिश्ता अरमान और अबीरा का एंड नाउ फाइनली अबीरा वांट्स मुक्ति. जी हाँ, इस झमेले में पड़ना ही नहीं और जब कोई रिश्ता है ही नहीं तो उसका बोझ उठाए क्यों हूं मैं. तो क्या लगता है कि अब अरमान का रिश्ता रूही के साथ आगे बढ़ेगा सीरियल में? तुमने अदालत में झूठी गवाही क्यों दी अबीरा? मैं तो पागल हो गई हूँ. कभी तलाक के कागज जूही आके दे देती है, कभी दादी सा, कभी तुम. क्यों? तलाक करवाने के लिए ना? तो मैंने कोर्ट में अगर झूठी गवाही दे दी तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? अबीरा और अरमान की जिंदगी का फैसला अब आखिरी पड़ाव पर आ गया है. ये आखिरी पड़ाव बहुत ही दर्द भरा है. जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अबीरा भी एकदम से टूट चुकी है तो अरमान की हालत भी एकदम से खराब हो गई है. या इट इज अ बिग मोमेंट क्योंकि अगर अरमान को अबीरा से प्यार हो गया है तो वो बहुत ही इसीलिए शायद वो इतना डीपली हर्ट हुआ है और इसीलिए
उसको ये रिश्ता तोड़ने में, जो जो रिश्ता उसको पता था कि टूटने ही वाला है, उसको तोड़ने में उसको उसका इतना दिल दुखा है कि उसने उसको ये तक भी बोल दिया कि जो उसके साथ हमेशा उसकी ढाल बन के खड़ा रहता था, उसने उसको ये तक भी बोल दिया कि अगर मैं कभी मर भी रहा हूँ तो मुझे मरने देना, पर मेरी मदद करने के लिए मत आना। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि वो डीपली कितना हर्ट हुआ होगा। ये दोनों अब इतने टूट चुके हैं और इसी के साथ साथ दोनों ने अपने होशो हवास खो दिए हैं। उससे वन टू वन बात चल रही है और वो बात को टालने के लिए, छुपाने के लिए, जवाब ना देने के लिए वो बोलती है मुझे नहाना है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी ऐसी हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही हो और उसमें कोई बोले कि अभी बंद करो मुझे नहाना है, पढ़ना है, सोना है, तो फिर इंसान अरमान को ये लगा कि ठीक है नहाना है, तो अभी एक सेकंड वहाँ नहा के बात कंटिन्यू करता है, तो मग उठाता है, उसके ऊपर डालता है, बोलता है अब नहा ली, अब चलो, अब मेरे सवालों के जवाब दो। अरमान को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अदालत में अबीरा ने झूठ क्यों कहा कि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई है। वही अबीरा का कहना है कि अब वो थक चुकी है इस जबरदस्ती के रिश्तों को ढोते ढोते। मुश्किल, बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे सीन्स। आई थिंक ये रिश्ता के अंदर मेरा ये सबसे मुश्किल सीन था जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा इमोशनली डीप जाने की ज़रूरत थी, और शायद अरमान की ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा एक मोमेंट होगा मुझे लगता अभी तक ये। हालांकि दादी वाली बात उसने अभी अरमान से कही नहीं है कि क्योंकि वो जानती है कि अगर कहेगी तो भी अरमान नहीं मानेगा। जाए तो आज इनका रिश्ता एकदम से टूटने की कगार पर आ गया है। इस रिश्ते में एक कहां नया एंगल आने वाला था, अब ऐसा लग रहा है कि दोनों जुदा हो जाएंगे और इसका पूरा फायदा रूही उठाने वाली है। अगर आपको दिख रहा है तो रूही, क्योंकि अरमान को तो अभी तक इस बात का अंदाजा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो दिखाई देता है तो शायद ये तलाक भी मंजूर हो जाएगा। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि अरमान और रूही की शादी की बात भी चलाएंगे, जिसे सुनकर अबीरा और भी टूट जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल लक्ष्मी में माता की चौकी हो रही है और क्या लगता है माता की छत्र छाया में कहीं कार्तिक और जिया के रिश्ते का खुलासा तो नहीं हो जाएगा, और वो भी मंगल के सामने। ऐसा हुआ तो सीरियल की कहानी में तो आ जाएगा बड़ा सा ट्विस्ट। तुम यहाँ क्यों आई हो? इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया तुमने? कार्तिक और लक्ष्मी की शादी से पहले माता की चौकी हो रही है और यहाँ पर देखिए जिया भी पहुँच गई है। जिया से गायत्री बोल ही रही थी कि कार्तिक पर तुम्हारा पूरा हक होगा। ये बात मंगल ने सुन ली और मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ नहीं बदला बेटा, कार्तिक पर तुम्हारा हमेशा हक रहेगा।
मैं बहुत ही ज़्यादा पजेसिव गर्लफ्रेंड हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ तो देख ही नहीं सकती। अगर आपने देखा होगा पूरा एंगेजमेंट के सीक्वेंस में, तो वो हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है एकदम, उसको ही पूरा टेंशन दे रहा है, मुझे इग्नोर करके चला गया ये सब कुछ। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये सब पाइलअप हो गई है और अभी जो सीन हो रहा है उसमें वो सब निकल गई है साथ में। अब मंगल के कानों ने एकदम सही बात सुनी, आखिर ऐसा क्या सच है जो सब मिलकर छुपा रहे हैं। अब आप और हम तो जानते हैं, लेकिन वो क्या है ना, इस सीरियल में काम करने वाले लोग अभी फिलहाल जानते नहीं हैं। ये कार्तिक और जिया दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सच अभी तक किसी को पता नहीं है। फिलहाल सगाई में जो ड्रामा हुआ, उस ड्रामे के बाद जिसने जिया को यहाँ पर देखा वो सब चौंक गए। मेरा तो काइंड ऑफ अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे इस वक्त पे कार्तिक को तो लक्ष्मी को सच बताना है कि मेरा सिस्टम ये, मैं तो वो नहीं भले ही नहीं करती पर मैं करता हूँ और ये बात सच है, ये बतानी पर ये नहीं बता पा रहा। छीन लूंगी मैं उसको। कार्तिक के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती, उसके बिना मैं फंक्शन नहीं कर सकती। अगर कार्तिक मेरे पास नहीं आया तो फिर मैं छीनना ही चाहूंगी, फिर तो शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मैं तो कार्तिक को अपना बना के ही रहूंगी। अब जिया का कहना है कि वो अपने जिया को रोक नहीं पाई यहाँ आने से। कार्तिक को वो किसी और का होते देख नहीं सकती है। अब देखिए यहाँ पर कहानी एक ट्रायंगल लव स्टोरी बन जाएगी। मंगल ने सोचा था कि लक्ष्मी की शादी एक ऐसे लड़के से करेगी जो उसकी इज्जत करेगा, पत्नी को पत्नी का दर्जा देगा, लेकिन बेचारी मंगल को ये कहां पता है कि लक्ष्मी के साथ भी धोखा होने वाला है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल शिव शक्ति में शिव को लगा है बड़ा सदमा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। ऐसे में किस तरह वो हर जगह तोड़फोड़ कर रहा है ये आप भी देखिए। किसी भी इंसान के लिए वो दिन बहुत मुश्किल होता है जब उसके सर से उसके माँ बाप का साया उठ जाता है और उसे पता चलता है कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। और आज शिव का हाल भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज उसके सामने ये सच आ गया है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये सच जानने के बाद शिव ने खो दिया है अपना आपा और घर में चारों ओर उसने शुरू कर दी है तोड़फोड़। दरअसल होता यह है कि शिव शक्ति की बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सभी घर वालों ने अभी तक उससे झूठ बोला था। और ऐसे में आज शिव के गुस्से को शांत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच जानने के बाद वो किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहता। और गुस्से की आग में जलकर वो आज ज्वालामुखी बन चुका है, और जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वो जलेगा जरूर। शिव को बताया नहीं था कि उसकी माँ मर गई है, और वो सुन लेता है बातें और वो बहुत गुस्से में है, और इतने टाइम से उसको लगता है कि उसकी माँ नानी नाना के घर गई है, और जब उसे पता चलता है तो बिल्कुल हिस्टेरिकल हो जाता है और पागलों की तरह बिहेव करने लग जाता है, जैसे एक बच्चा होता है। अगर उसको पता चल जाएगा कि उसकी माँ मर गई है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। अब घरवाले और शक्ति शिव को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच शिव बेहोश भी हो जाता है। अब इतनी मुश्किल से तो शक्ति शिव को ठीक करने की कोशिश कर रही है,
लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि शिव की हालत खराब हो जाती है। अब देखना ये होगा कि आखिर शक्ति शिव को कैसे संभालती है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।